आज का वीडियो जो है मेरा वो डेडिकेटेड है टर्टल्स को, और ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम कवर करने की आज कोशिश करेंगे। फ्रेश वाटर टर्टल्स जो होते हैं वो बहुत यूनिक क्रीचर्स होते हैं। ये देखिए, मुझे यहाँ पर एक कुएं में बहुत सारे ढेर सारे टर्टल्स दिखाई दिए, तो मैंने सोचा इन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आप देखो, इस कुएं के अंदर दो प्रकार के, दो स्पीसीज के कछुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो है रेड ईयर्ड स्लाइडर, जो कि जहाँ तक मुझे पता चला कि ये नॉन नेटिव यानी कि एग्जॉटिक दूसरे विदेशी प्रजाति का कछुआ है, लेकिन यहाँ पर अब नेचुरलाइज हो चुका है। और दूसरा आप देखोगे कि बहुत शाय कभी कभार ऊपर आने वाला आप कछुआ आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखोगे आप तो वो देखिए यहाँ पर। यह है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, जो कि बहुत ज़्यादा शाय है, और उसकी दोनों में ही अंतर है। दोनों हार्ड शेल क्या होता है, फ्लैप शेल क्या होता है, सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इनकी खूबसूरती को देखते हुए, इनकी स्विमिंग को देखते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप देखो यहाँ पर, इसमें बहुत सारी फिशेज भी है, कैटफिश है और भी प्रजाति की फिशेज है। तो इनको समझने की कोशिश करेंगे आज। फ्रेश वाटर टर्टल्स जो होते हैं ये नदी में, झील में, पॉन्ड में, ऐसी सारी जगहों पर, कुओं में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी स्लो मूविंग या स्टिल होता है। ये बिलोंग करते हैं टेस्टुडाइन्स ऑर्डर को, और अगर हम देखें तो ये रेप्टाइल्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है। टर्टल्स इस तरीके से इवॉल्व हुए, ख़ास तौर पर ये फ्रेश वाटर टर्टल्स, कि ये पानी में रह सके, अपनी ज़िंदगी पानी के अंदर बिता सके। तो सबसे पहले हम इनका टैक्सोनॉमिक ब्रेकडाउन करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये बिलोंग करते हैं टेस्टुडाइन्स ऑर्डर को, जिसमें सारे ही टर्टल्स आ जाते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल्स को हम दो सब ऑर्डर में सब डिवाइड करेंगे। पहला है क्रिप्टोडायरा। क्रिप्टोडायरा में टर्टल्स ऐसे टर्टल्स आते हैं जो अपनी गर्दन को वर्टिकली अपने शेल के अंदर रिट्रैक्ट या खींच सकते हैं। ये लार्जेस्ट सब ऑर्डर है टर्टल्स का, इसमें सारे ही टर्टल्स आ जाते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल्स की स्पीसीज आ जाती है, और इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि फैमिली के हिसाब से, जैसे कि फैमिली चेलिड्रिडे जिसमें स्नैपिंग टर्टल्स आते हैं, फैमिली काइनोस्टर्निडे जिसमें मर्ड और मस्क टर्टल आते हैं, फैमिली टेस्टुनिडे जिसमें टॉर्टोइज आते हैं, जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के आसपास रहते हैं। दूसरा हम जो मेन सब डिवीजन करेंगे फ्रेश वाटर टर्टल्स का, वो होगा प्लूरोडायरा। प्लूरोडायरा सब ऑर्डर के अंदर ऐसे टर्टल आते हैं जो हॉरिजॉन्टली अपने गर्दन को अंदर ले सकते हैं। ये छोटा, रिलेटिवली स्मॉलर है क्रिप्टोडायरा को कंपेयर करेंगे तो, और इसमें स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इनकी टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कई सारी फैमिलीज यूनिकनेस बहुत ज़्यादा इनमें देखी जाती है, और इन पर रिसर्च भी रिलेटिवली कम हुआ है, और इंडियन नेटिव इंडियन स्पीसीज में तो और भी ज़्यादा कम रिसर्च हुआ है। अब टर्टल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो हमको सबसे पहले इनके शेल को लेकर के आकर्षण होता है कि कितना हार्ड और मजबूत इनका शेल होता है। ये हार्ड बोनी शेल जो होता है इसको हम कैरापेस कहते हैं, और इनके बैक के ऊपर होता है। और एक लेयर होती है जिसको प्लास्ट्रॉन कहा जाता है, जो कि इनकी बैली के ऊपर होती है। ये दोनों ही लेयर्स जो है, या फिर ऑर्गन्स बोलेंगे, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रेडर से और डैमेज से इनको। इनके आप लेग देखो, इनके पैर आप देखो, तो इस तरीके से अडेप्ट हुआ है कि ये इनको ईजीली ग्रेसफुली ग्लाइड करने में मदद करे पानी के अंदर। इनको हम वेब्ड फीट कहते हैं या फिर फ्लिपर्स कहते हैं। जितने भी टर्टल होते हैं फ्रेश वाटर, उनकी एक आप शार्प बीक लाइक माउथ देखोगे, जो कि सूटेबल होता है ओमनीवोरस डाइट के लिए। ये पत्ते भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल जो है, ये इनकी डाइट जो है वो प्लांट और एनिमल मैटर है, साथ साथ ये एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गे, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशंस छोटी छोटी मछलियाँ,
और कैरियन को भी खाते हैं, एक डाइवर्स डाइट फॉलो करते हैं और एक्वेटिक फूड चेंज जो होता है उसको ये मेंटेन करते हैं। फीमेल्स क्या करती है, अंडे देने के लिए लैंड पर आती है, खड्डा खोदती है, अंडे देती है, मिट्टी से ढक देती है, पानी में चली जाती है। फिर जब अंडे हैच होते हैं तो वो भी अपने आप पानी की ओर जाते हैं और अपनी एक्वेटिक लाइफ शुरू करते हैं। आज इनके बिहेवियर जिसको हम जानते हैं, ये डेंजर को सेंस करके अपनी बॉडी शेल के अंदर चले जाते हैं या फिर डीप डाइव करते हैं, और खाना ढूंढने के लिए भी ये बहुत डेप्थ तक चले जाते हैं खाना ढूंढने के लिए और डेंजर से बचने के लिए। आज इनके कॉन्जर्वेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हम देखते हैं, क्योंकि पेट ट्रेड में और लोग इनको ले लेते हैं पेट के तौर पर, फिर इनको अबैंडन कर दिया जाता है। और आप देखोगे कई सारे केसेस हमको पेपर में देखने मिलते हैं जहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है जब इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है वगैरह वगैरह। बहुत पुअर कंडीशंस में इनको रखा जाता है, खास तौर पर नेटिव स्पीसीज को बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो हमें कोशिश करनी है कि विदेशी एग्जॉटिक स्पीसीज़ को ना खरीदे, इंडियन जो स्पीसीज़ है उनको एक प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड कराए। अगर अगर आपके आसपास भी है तो उनका हैबिटेट साफ़ सुथरा रखना और उनको कम डिस्टर्बेंस पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हम इनकी कछुओं को ज़िंदगी भर एंजॉय कर सके, हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनको देख सके। कछुओं को इंटरेस्टिंग चीज़ आपको शायद पता होगी, इनको संस्कृत में कुर्मा कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा ये लकी होते हैं, इसीलिए आप देखोगे कि जो प्राइवेट वेल्स होते हैं या किसी ने पॉन्ड बनाया होता है तो उसमें भी लोग कछुआ रखना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें और पुअर कंडीशंस में रखने में फ़र्क होता है और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इनकी देखभाल के पीछे, तो इनको समझे बिना हम इनको रखना नहीं चाहिए हमें। इनकी शेल को अगर हम देखें, इनके शेल को, तो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है इनमें। दो लेयर से बनी होती है, आउटर लेयर जिसको एपिडर्मल स्क्यूट्स कहा जाता है और अंदरूनी लेयर जिसको इनर लेयर जिसको बोनी प्लेट्स कहा जाता है। तो पहली लेयर जो है आउटर लेयर एपिडर्मल स्क्यूट्स, वो मॉडिफाइड स्केल्स होते हैं बेसिकली, और ये स्क्यूट्स जो है बहुत टफ कैरेटिनियस मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि हमारे बाल और नाखून, और ये स्क्यूट्स जो है बहुत हार्ड और रिजिड होते हैं ताकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी फिजिकल डैमेज से। दूसरी लेयर जो बोनी प्लेट्स की होती है, हड्डियों की होती है, उनको ऑस्टियोडर्म्स कहा जाता है। ये जो प्लेट्स होती है हड्डियों से बनी होती है और टर्टल की स्केलेटल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होती है, एक सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि टर्टल्स बाहर आ जाते हैं और सूरज की किरणों को सोखते हैं या फिर बास्किंग जिसको कहा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट पे डिपेंडेंट होते हैं। बास्किंग एक बहुत ही क्रूशल बिहेवियर बन जाता है इनके लिए, क्योंकि अपने ऑप्टिमल लेवल ऑफ मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस को नॉर्मल रखने के लिए इनको ऐसा करना पड़ता है। जब टर्टल बास्क कर रहे होते हैं, धूप सेकते हैं, तब आपने देखा होगा ये पत्थर पे, लकड़ी पर, ऐसी सर्फेसेस पर आके के डायरेक्टली धूप को सोखते हैं या सेकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है इनके लिए ऐसा करना, इनके शेल के ग्रोथ के लिए, या इनके शरीर पर अगर एल्गे बन गया तो उससे भी इनको छुटकारा मिल जाता है। अब सॉफ्ट शेल वर्सेस हार्ड शेल भी होता है, आपने देखा होगा। तो फ्रेश वाटर टर्टल को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सॉफ्ट शेल ऐसे होते हैं, जैसे कि हमको नाम से ही पता चलता है कि इनका शेल बहुत सॉफ्ट होता है, लेदरी होता है, फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू हार्ड शेल टर्टल्स। सॉफ्ट शेल टर्टल जो होते हैं, इनकी ऐसा नहीं है कि इनके शरीर में, इनके शेल में बोन्स नहीं होते, बोन्स होते हैं कम मात्रा में होते हैं, और एक थिक लेयर ऑफ सॉफ्ट रबरी स्किन होती है, चमड़ी रबर जैसी होती है इनकी। सॉफ्ट शेल टर्टल्स एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, बहुत ही बढ़िया तैराक होते हैं, और स्ट्रीमलाइन शेल जो होता है इनका, ये मदद करता है इनको बहुत ही बढ़िया एक एक्वेटिक लाइफ जीने में। दूसरी ओर अगर हम हार्ड शेल टर्टल्स को देखें तो उनका बहुत टिपिकल रिजिड शेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हड्डियाँ होती है, हड्डियों की प्लेट होती है, एपिडर्मल स्क्यूट्स होते हैं।
शेल्स जो होते हैं इनके बहुत हार्ड और कम फ्लेक्सिबल होते हैं कंपेयर टू सॉफ्ट शेल टर्टल्स, और ये एडेप्टेड होते हैं टेरेस्ट्रियल या सेमी एक्वेटिक हैबिटेट्स के लिए। आपने भी देखा होगा कि टर्टल्स जो होते हैं पानी के सरफेस के ऊपर आकर सांस लेते हैं, पानी के बाहर आकर सांस लेते हैं, अपना सर बाहर डाल के सांस लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये एयर ब्रीदिंग रेप्टाइल्स होते हैं। ये मछलियों की तरह गिल्स के सहारे ऑक्सीजन को पानी से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको बाहर आकर ऑक्सीजन लेना पड़ता है। इनके अंदर भी हमारे जैसे लंग्स होते हैं तो ऑक्सीजन इनको हवा में आकर पानी के बाहर आकर ही लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पानी के अंदर ये बहुत समय तक रह सकते हैं और डीप डाइविंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको तुरंत बाहर आना पड़ता है, ये इनके एज और स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत समय तक ये पानी के नीचे रह सकते हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका एडाप्टेशन इस तरीके से हुआ है कि ये कम मात्रा में ऑक्सीजन खर्च करते हैं, ऑक्सीजन को बचा कर रखते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है इनका बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। फ्लैप शेल टर्टल्स भी बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल्स ही फ्लैप शेल टर्टल्स होते हैं, उनका भी एक सॉफ्ट शेल होता है और हार्ड शेल टर्टल्स के कंपैरिजन में डिफरेंसेस होते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने टर्टल्स के बारे में जनरल बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की। आप भी अपने आसपास टर्टल की स्पीसीज़ को स्टडी कीजिए, देखिए, समझिए और उनकी ब्यूटी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन नेटिव इंडियन स्पीसीज़ बहुत कम होती जा रही है हैबिटेट लॉस के कारण। हमें कोशिश करनी है इनकी स्पीसीज़ को, इनकी संख्या को बढ़ाया जाए।